नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशंसा ठाकुर श्री रामकृष्ण नेत्रालय में कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी कंसल्टेंट हूँ। सो आज के हमारे वीडियो का विषय है आई डोनेशन यानी कि नेत्रदान, और हम नेत्रदान से जुड़ी गई कई गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम जानेंगे आई डोनेशन मिथ्स एंड फैक्ट्स यानी कि आई डोनेशन से जुड़ी गई कई मिथक और तथ्यों के बारे में, और कई सारी गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बड़ी गलत फहमी है कि आंखें दान करने से दाता के चेहरे पे आंखों के सॉकेट्स में छेद हो जाएंगे जिससे चेहरा विकृत हो जाएगा। यह बिल्कुल भी सही नहीं है। जब भी हम नेत्रदान करते हैं तभी हम उस आंखों की जगह पे एक कृत्रिम अंग यानी कि प्रोस्थेटिक को बिठा देते हैं जिससे चेहरे में कोई भी गड्ढे नहीं होते या चेहरा विकृत नहीं होता। तो मिथ नंबर टू कि अगर हम इस जीवन में नेत्रदान करते हैं तो अगले जन्म में हम जन्म से ही अंधे पैदा होते हैं। यह बिल्कुल गलत है। नेत्रदान ये बहुत ही श्रेष्ठ दान है और एक महान और परोपकारी कार्य है, और अगर आप कर्म के नियम में विश्वास रखते हैं तो इसकी फल की प्राप्ति आपको अगले जन्म में अच्छे दृष्टि में जरूर प्राप्त होगी। सो मिथ नंबर थ्री, अगर मैं अपनी आंखें दान करती हूँ तो डॉक्टर मुझे मेरी गंभीर बीमारी के समय में बचाएंगे नहीं। यह बिल्कुल ही गलत है। कोई भी डॉक्टर किसी भी मरीज की जान बचाने के लिए शपथबद्ध है, तो कोई भी डॉक्टर किसी भी मरीज के जान या सेहत से कभी भी खिलवाड़ नहीं करेंगे जिससे किसी अन्य मरीज की संभावित रूप से मदद की जाए। सो अभी हम जानेंगे पुतली की बीमारी या कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के विभिन्न कारण। कई लोग या कई व्यक्ति जन्म से ही उनकी पुतली में खराबी या सफेदी होती है जिसे हम कंजेनाइटल कॉर्नियल ब्लाइंडनेस कहते हैं। कई बार कुछ कारणवश पुतली खराब हो जाती है, जैसे कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होना, या कभी भी आंखों पे केमिकल की इंजरी होना, या कोई भी इन्फेक्शन, भले ही वो बैक्टीरियल हो, वायरल हो या फंगल इन्फेक्शन हो, या कभी भी कोई एक्सीडेंट या जोर से घाव लगना, ये सभी कारणों से पुतली खराब हो सकती है। अभी हम जानेंगे नेत्रदान कौन कर सकता है। नेत्रदान के लिए आयु की कोई सीमा नहीं रहती। यदि किसी व्यक्ति को बीपी, डायबिटीज हो या कोई भी आंख की सर्जरी हुई हो फिर भी नेत्रदान कर सकते हैं। अभी हम जानेंगे कि नेत्रदान कौन नहीं कर सकता। किसी इंसान को कम्युनिकेबल डिसीज हो जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस, सिफिलिस, रेबीज आदि कम्युनिकेबल बीमारी हो तो ऐसे में उन्हें नेत्रदान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कंडीशंस में पेशेंट्स या रेसिपिएंट को ये बीमारियां होने की संभावना अधिक है। सो अब मैं आपको बताऊंगी नेत्रदान कैसे करना है। यदि आपकी नेत्रदान करने की इच्छा हो तो कृपया करके नज़दीकी आई बैंक से संपर्क करें। वे आपको एक प्लेज फॉर्म देंगे जिसे आपको भर के वापस देना है, जिसपे वो आपको एक आई बैंक डोनर कार्ड देंगे जिसे आपको संभाल के रखना है। अगर आपको कोई नज़दीकी आई बैंक के बारे में मालूम ना हो तो आप नेशनल टोल फ्री नंबर 1919 पे कॉल करके नज़दीकी आई बैंक के बारे में जानकारी ले सकते हैं, या तो गूगल पे आई बैंक्स नियर मी डाल के इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आपकी आई डोनेशन करने की इच्छा को आप आपके निकटवर्तियों के साथ जरूर शेयर करें ताकि आपकी मृत्यु के पश्चात वो नज़दीकी आई बैंक से तुरंत संपर्क कर सकते हैं। सो आई डोनेशन के बारे में थोड़ी अधिक जानकारी समझेंगे। अगर किसी के घर में किसी की मृत्यु हुई हो और उनको उनके प्रियजन का नेत्रदान करना हो, सो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी होता है तुरंत आई बैंक से संपर्क करना। संपर्क करने के बाद जो भी मृत व्यक्ति जिस भी रूम में है उस रूम का पंखा बंद करें, आंखें बंद रखें करने की कोशिश करें, और बंद आंखों के ऊपर एक हो सके तो गीला कपड़ा डालें। चेहरे पे या आंखों पे कोई भी तरह का केमिकल जैसे कि हल्दी और कुमकुम ना लगाएं। एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिए कि नेत्रदान में कोई भी पैसों की लेन देन नहीं होती है। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप अधिकाधिक लोगों के साथ नेत्रदान के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करें और इस वीडियो को भी साथी में शेयर कीजिए, और आप खुद नेत्रदान के लिए प्लेज कीजिए, क्योंकि आपकी मृत्यु के पश्चात कई लोगों को दृष्टि का उपहार प्राप्त हो सकता है। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिली हो। तब तक के लिए नमस्कार।